बच्चों, आज मैं आपको एक बहुत ही प्रेरणादायी बाल कथा सुना रही हूँ, जिसका शीर्षक है सच्ची प्रसन्नता। उस दिन शाम का समय था, बिंदु की माँ खाना बना रही थी। तभी वह बाहर से भागती हुई आकर बोली, माँ, कांता के पापा जी उसके लिए घड़ी लेकर आए, मुझे भी ला कर दो घड़ी। अच्छा बेटी, ला दूंगी, माँ ने कहा और अपना काम करती रही। मुझे तो घड़ी अभी चाहिए, बिंदु ने कहा। अभी नहीं, फिर कभी ला कर दूंगी प्यारी बेटी को घड़ी, माँ ने प्यार से कहा। पर वह तो जिद करने लगी, मुझे तो आज और अभी घड़ी लेनी है। माँ ने उसे खूब समझाया, फिर भी उसने माँ की बात नहीं मानी। आखिर माँ को गुस्सा आ गया और उसके एक चांटा मार दिया। चांटा लगते ही वह तो रोती कूदती कोठरी से बाहर भाग गई। माँ भी पकड़ने के लिए उसके पीछे भागी। बिंदु की माँ घरों में सफाई बर्तन मांज कर थोड़े से रुपए ही कमा पाती थी, जिससे पढ़ाई और कोठरी का किराया चुकाने के बाद कुछ भी बचत नहीं होती थी। इसलिए अभी उसके पास इतने रुपए नहीं थे कि बेटी को तुरंत घड़ी खरीद कर ला दे। पर बिंदु जिद कर बैठी। उसने न तो सुबह खाना खाया, न ही रात को खाना खाने को राजी हुई। उसकी माँ समझा समझा कर थक गई, पर वह तो मानी नहीं। बस एक ही रट लगा रखी थी, जब तक मुझे घड़ी नहीं ला कर दोगी तब तक मैं खाना हरगिज नहीं खाऊंगी। रात को जब देर तक भी वह खाना खाने को तैयार नहीं हुई तो माँ ने उसको प्यार से समझाया, बेटी हम तो बहुत गरीब हैं, तेरे बापूजी एक्सीडेंट से गुजर गए, तभी तो मैं घर घर में काम करके जितने पैसे कमाती हूँ वे तो कोठड़ी का किराया, तुम्हारी पढ़ाई और खाने पीने पर खर्च हो जाते हैं। अब तू ही बता, मैं तुम्हें आज ही घड़ी कैसे ला कर दूं पैसों के बिना। कहकर माँ कुछ देर चुप हो गई, फिर सोच विचार कर बोली, मैं कल तुम्हें एक गुल्लक ला कर दूंगी, तुम रोजाना मेरे से कभी 5 तो कभी 10 रुपए लेकर गुल्लक में जमा करती रहना। जब थोड़ी थोड़ी बचत करके रुपए इकट्ठे हो जाएंगे तब तुम्हें घड़ी जरूर ला कर दूंगी। आखिर माँ की सलाह उसने मान ली। फिर तो उसने माँ से माफी भी मांगी और खुश होकर खाना भी खा लिया। दूसरे दिन उसकी माँ ने एक गुल्लक ला कर दिया और 5 रुपए भी दे दिए। उसने जय गणेश नमः कहते हुए वे रुपए गुल्लक में डाल दिए। उसकी माँ रोजाना बचत कर उसे कभी 5 तो कभी 8-10 रुपए देने लगी, जिन्हें वह गुल्लक में डाल देती। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे उसका हृदय तो प्रसन्नता से फूला नहीं समा रहा था, क्योंकि गुल्लक तो रुपयों और कलदारों से भरता ही जा रहा था और घड़ी खरीदने का दिन अब ज्यादा दूर न था। गुल्लक जब ठसा ठस भर गया तो गुल्लक को फोड़कर दोनों माँ बेटी ने रुपए गिने। घड़ी खरीदने जितने रुपए हो गए थे, बिंदु उन रुपयों को देखकर बहुत खुश हो रही थी। खुश कैसे नहीं होती, कितने दिनों की तरसना के बाद उसके मन की मुराद अब तो पूरी हो जाएगी। उसे तो लग रहा था जैसे सारे संसार की खुशियां उसकी झोली में आ गई हों। शाम को वह माँ के साथ घड़ी खरीदने के लिए बाजार की ओर चल दी। प्रसन्नता के मारे उसके पांव जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे, मानो हवा में ही उड़ रही हो। वह सोच रही थी कि घड़ी छोटी लेनी चाहिए या बड़ी। फिर उसने तय किया कि न बड़ी न छोटी, ठीक ठाक सी सुंदर लगेगी मेरे हाथ पर तो। वह ऐसे सोचती जा रही थी कि तभी उसको एक शोर सुनाई दिया। उसका ध्यान भंग हो गया और वह शोर करने वालों की ओर देखने लगी। उसने देखा कि लोगों का जुलूस आ रहा है। उस जुलूस में एक आदमी हाथ में माइक थामे कह रहा था, भाइयों बहनों, रिलीफ फंड में दिल खोल कर चंदा दो, चेन्नई में हुए विनाश से दुखी लोगों की मदद करो, जो भी दे सको देने की कृपा करनी चाहिए। माँ, ये जुलूस कैसा है और हाथ में माइक लिए हुए आदमी क्या कह रहा है, मैं तो समझी नहीं, उसने हैरानी से पूछा। उसकी माँ ने पहले तो अपने छोटे से पर्स से 5 रुपए निकाल कर चंदे में दे दिए, फिर बताने लगी, बेटी चेन्नई में आई बाढ़ से हजारों लोग बेघर हो गए,
घरों के ऊपरी मालों तक पानी भर गया, जिससे लोगों को अपना घर छोड़कर अन्य स्थानों पर शरण लेनी पड़ी। वहां पर करोड़ों रुपयों का नुकसान भी हुआ है। तनिक देर चुप रहकर माँ बताने लगी, उस विनाश लीला से दुखी लोगों को अब हमारी मदद की बहुत जरूरत है, ताकि वे पीड़ित लोग फिर से नया जीवन शुरू कर सकें। चंदा मांग रहे ये लोग रुपए इकट्ठे करेंगे, जिनसे खाने पीने का सामान, दवाइयाँ, कपड़े आदि की जरूरत, दूसरी चीजें खरीद कर दुखी और बेघर हुए लोगों तक पहुंचाएंगे। वह बड़े ध्यान से माँ की बातें सुन रही थी। उसका कोमल हृदय विनाश से दुखी पीड़ित हो रहे लोगों के बारे में सोचने लगा। मन की आंखों से वहां का दुखदायी दृश्य दिखने लगा उसे। चारों ओर रोना, कूकना और चीख पुकार, हाय तोबा, उसे सुनाई दी। कई महिलाएं, पुरुष और छोटे छोटे बच्चे भूख प्यास से बिलखते हुए सुनाई दिए। लूले लंगड़े रो रो कर हाथ फैलाकर मदद मांगते नजर आए। वहां का बहुत ही दुखदायी नजारा देखकर उसका हृदय मन ही मन में बिलख बिलख कर रोने लगा। मन में दया और दातारी की तो जैसे बाढ़ आ गई थी। बहुत ही कंजूसी करके घड़ी खरीदने के लिए गुल्लक में इकट्ठे किए रुपए उसने माँ से ले लिए और अपने छोटे छोटे हाथों से रिलीफ फंड में दान कर दिए। जब वह वापस आई तो उसका चेहरा एक अनोखी आभा से चमक रहा था। मेरी प्यारी बेटी, रुपए तो चंदा में दे आई हो तुम, अब घड़ी कैसे खरीदोगी? माँ ने उससे पूछा। माँ, मुझे महसूस हुआ कि रुपयों की तो दुखी पीड़ित लोगों को ज्यादा जरूरत है। घड़ी तो मैं फिर कभी ले सकती हूँ, बचत के थोड़े थोड़े रुपए जमा करके। अभी तो बड़ों और बच्चों का भी फर्ज है कि वे इस आफत के समय संकट में पड़े लोगों की जितनी भी हो सके जरूर ही मदद करे, उसने दुखी भाव से कहा। फिर सोचकर कहने लगी, माँ, घड़ी लेने से मुझे इतनी ज्यादा प्रसन्नता नहीं होती जितनी अब हो रही है। आज तो मुझे जीवन की सच्ची प्रसन्नता का भेद मिल गया। दुखी, संकट में पड़े लाचार और बेसहारों की मदद और सेवा में ही सच्ची प्रसन्नता है। छोटी सी बेटी की बड़ी बड़ी बातें सुनकर माँ की आंखों से गर्व और खुशी के आंसू बरसने लगे। उसने आकाश की ओर देखते हुए कहा, हे ईश्वर, हर एक माता पिता की संतान के हृदय में मेरी बेटी की तरह दया और दातारी की भावना जरूर देना।